गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। उठ गए आप? उठते ही क्या करने लग गए? क्या है ये? कबाड़ी। इब्राहिम ने उठते ही अपना कबाड़ी बन शुरू कर दिया है। इब्राहिम, हाँ। नाश्ते में क्या खाओगे? आपने चाय तो पी ली। वो तो मेरी चाय थी, मैंने पी ली। अब आपको मैं नाश्ते के साथ चाय दूंगी ना। क्या दोगे आप बताइए? चाय, पराठा बनाओ, चीनी का पराठा बनाओ। ओके। या फिर कुछ और? चीनी का पराठा बना दो और इनके उनको भी शेयर करो किस तरह से बनाती हो। हाँ, कर देंगे शेयर। या फिर मलीदा बनाओ, रोटी मलीदा सही है, मलीदा बना दो। इब्राहिम की तबीयत अभी काफ़ी बेहतर है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कहाँ घुस रहे हो? देखो फिर आपको कोई चूटी वगैरह काट लेती है। ये देखो ज़रा। इसीलिए मैंने सारा सामान एक तरफ रख दिया था। नहीं बेटा, दूरबीन लग रही। दूरबीन ऐसी नहीं होती। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आती कि वो इस तरह से देख कैसे लेते हैं। पता नहीं कैसे देख लेते हैं। यूं करके जो पाइप जा रहा होता है ना, शायद ये थोड़ा काट देते हैं। आंखें खोलिए, देखते हैं। ये सिर्फ बोरिंग के फॉल्ट की वजह से निकला था, तो अब उधर से पाइप काट के चले गए हैं हमारे चाचा जो बिजली का काम करते हैं, खास तौर पर 10 नंबर के आशीष चाचू और आम चाचू तो मेरे पंखे पंखे का काम करते हैं। आशीष चाचू ने पाइप काट के दिखाने कल जोड़ देंगे। इनको टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए टाइम मिलेगा ना तो आके कर देंगे। वो हमेशा करके जाते हैं। ये देख, इस पर को यूं पकड़ना इसके इधर ताकि परेशानी ना हो। एक ये वॉल है, ये लाइन का, और एक ये वाला वॉल है, बोरिंग के पानी का। ये वाला एक बोरिंग का है, एक लाइन, एक मीठे पानी का है और एक बोरिंग के पानी का है। दोनों लाइन है हमारे घर में। भाई मीठा पानी तो बहुत शादो नादिर ही आता है, कभी कभार आता है, लेकिन बोरिंग जो है वो एनी टाइम अवेलेबल होती है। ऐसे ही लगेंगे दोनों, एक में जो है वो लाइन का पानी की फिटिंग होगी, एक में बोरिंग की होगी। लाइन इधर है बच्चा, इधर है लाइन, बोरिंग इधर है, तो इसको यूं ना। अच्छा, आप उस तरह बैठे हुए हो ना, मैं इस तरह बैठी हुई हूँ। मेरा ये वाला राइट है, आपका वो वाला राइट है। अरे मैं मम्मा ये पता है क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये उल्टा पकड़ा हुआ है। ये लाइन है, ये बोरिंग है। सही है। और अब ये बैक टू बैक कर रहा हूँ मैं, अगर ये यूं ऐसे लगवाना चाहिए। कितना वीक हो गए इब्राहिम, आप 2 दिन में कितने वीक हो गए। डार्क सर्कल भी आ गए मेरे बेटे के। आपकी तबीयत खराब हुई थी, आपको भी डेंगू हुआ था, तो आप कितने वीक हो गई थी। लेकिन आप तो 2 दिन में खांसी नज़ले में ही वीक हो गए बेटे। अब खाना वाना खूब ठीक से खाना, पेट भर भर के खूब, भूख लगे ना लगे फिर भी खाओ। भूख नहीं लगा फिर भी खाओ ना, ठीक है ना। नीचे भी तो दिखाओ, 2 दिन में बेटा बहुत वीक हो गया। ये देखिए, पहले ये ऐसे था, ऐसे, तो इस वजह से बोरिंग के फाल की वजह से ये देख, आपने सही से देखा नहीं, ये लाइन, ये बोरिंग, यूं लगे रहते पर। इसमें है, लगाओ। इसमें कौन सा आता है? बोरिंग का। उस पर नहीं, पर ये
लाइन आता था, फिर ये लाइन नहीं, ये बोरिंग में, और ये जा रहा है पंप में, मोटर में लगता है ये, ये ऐसे होती है। ये बर्मा में नहीं जा रहा है, पंप मोटर को पंप ही कहते हैं। नहीं बर्मा, अपन को बर्मा में रखना, वो हैंड पंप होता है कि इलेक्ट्रिक पंप होता है, बस ये फर्क है। हैंड पंप तो आपके घर में है, नानी का था, पता नहीं कहाँ गया, खाना पता नहीं कहाँ से लग गया, वो लग रहा है किसी को बेच दिया था। बेचा नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है, मुझे बताया नहीं था उन्होंने, बेची तो मुझे बता दी, अल्लाह जानता है कहाँ गया। वो मैं मालूम कर लिया करूँ ना। अरे यार इब्राहिम, तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता, ख्वाब भी अपनी मर्जी से थोड़ी आते हैं, जो अल्लाह ताला दिखाना चाहता है वही आते हैं। ये देखिए मैं जोड़ लूंगी, ये पता नहीं कैसे टूट रहा है, बल्कि मम्मा आप ऐसे पकड़ो इसको, काले वाले को, ये ऐसे ही नहीं जुड़ता, इसमें सोल्यूशन लगता है। हाँ सोल्यूशन लगता है, सोल्यूशन लगेगा तो ही तो चिपकेगा। हाँ भाई एल्बो ही लगती है, हम भी कोई जाहिल नहीं है। जाहिल नहीं है तो फिर कौन हो, प्लम्बर बने हुए हो? हाँ प्लम्बर बनूंगा, बनाओगे एल्बो की वजह से हमारी बोरिंग भी कट गई। ये वाला कौन सा हिस्सा है जो आपके हाथ में है छोटा सा, ये कहाँ लगता है? ये देखो, ये ऐसे आ रहा है ना पाइप, तो ये जमीन में यूं लगा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसे लगा होता तो दोनों में लगा हुआ होता, दूसरा कहाँ है फिर? दूसरा अंदर है, ये दोनों में लगा हुआ है, ये दोनों बोरिंग लाइन दोनों का है। एक और है किस, ये छोटा वाला एक और है, कहाँ है, बैठ के नीचे निकालो, आपको रोशनी हो रही है अच्छी खासी, तो अंदर नहीं पहुंची थी, अंदर नहीं पहुंची टॉर्च, इसलिए मैं कह रहा हूँ यार देखो दे दो टॉर्च, दे देना मम्मा। फिर से शुरू कर दी, क्या एक नंबर जल रही है? जोजो जोजो की नियत लग रही है, बहुत मजे की जेली, सबसे आला गला आपका भी ठीक हुआ है, फिर ये जेली खा, ये फ्रूटी जेली मिक्स फ्रूट है, ये जेली फ्रूटी जेली बहुत सारी जेली, बहुत फ्लेवर है इसके, पर मैंने इसमें ये फ्लेवर ट्राई किया, बहुत ही आला। नानी इसके लिए जेली जमाती थी खूब, सबसे आला, अलग अलग कलर्स की बनाती थी अम्मी तो उसके लिए, ग्रीन अलग, रेड अलग, अलग अलग भी मिलती है ना।